बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने कुरान पाक से मग़्ज़ निकाल कर मसनवी में पेश कर दिया है और अहकामात पर बहस नहीं की, जिनको उलमा ने बहस का मौजू बनाकर झगड़े और तफरके डाल दिए। मैंने अपने इश्क की बदौलत मार्फत का तीर सीधे निशाने यानी दिलों पर मार दिया है। मजहबी गैरत के लोग क्यामत के दिन के खौफ से जिंदगी बसर करते हैं, जबकि रोशन ख्याल सूफी इस तरह की परेशानियों से हमेशा जिंदा रहते हैं। जब तक मुमकिन हो सबर को हाथ से ना जाने दो। ख्वाहिश नफसानी की तमाम लज्जतें मकर और धोखा हैं, नाकस नूर और झूठ और मजाज की चमक है, उसके चारों तरफ अंधेरियां हैं और तेरा रास्ता लंबा है। तो उसकी रोशनी में ना खत पढ़ सकता है और ना मंजिल तक घोड़ा चला सकता है। मुलाकात के वक्त औरत मर्द के हाथ में ऐसे होती है जैसे तांबे के हाथ में खमीर। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। आमीन। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।